करते हैं IPL का महायुद्ध सिर्फ IBM 7 पर। मेट्रो जैसा बड़ा नहीं है इनका नाम, पर वाकई बड़ा है इनका काम। ये हर रोज तरक्की की नई उड़ान भरते हैं, ये सपने देखते हैं, एक नए इंडिया की कहानी कहते हैं। ये हैं फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। CNBC आवाज ले जाएगा आपको उन शहरों में जो है बदलते हिंदुस्तान की पहचान। अमित एंटरप्राइजेस हाउसिंग लिमिटेड प्रेजेंट्स फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया पुणे, 5 मई सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर अमित एंटरप्राइजेस हाउसिंग लिमिटेड, बिल्ड फॉर मोर, प्रिंट पार्टनर बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मिड डे। Samsung Star TV with fast Wi-Fi. Life on for the buck. ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार, खास मुलाकात के एक बेहद स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रुचिर शर्मा से। रुचिर मॉर्गन स्टैनले के इमर्जिंग मार्केट्स के इक्विटी के और ग्लोबल मैक्रो टीम के हेड हैं। ये 25 बिलियन डॉलर का फंड मैनेज करते हैं और दुनिया के 40 इमर्जिंग देशों में पैसा लगाते हैं। रुचिर हर महीने एक हफ्ता किसी न किसी देश में बिताते हैं और वो भी बाय रोड यात्रा करते हैं। उन्होंने अभी एक किताब लिखी है, ब्रेकआउट नेशंस। ये किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल विजार्ड का अनुभव ही नहीं बल्कि एक नई और बदलती हुई दुनिया को समझने के लिए एक शानदार ट्रेवलॉग भी है। रुचिर, CNBC आवाज के लिए आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके पब्लिक लाइफ में ये शायद पहला हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक इंटरव्यू होगा आपका। यस, थैंक्स टू यू संजीत। बिल्कुल, इस किताब का रिस्पॉन्स कैसा रहा है अभी तक भारत में? नहीं, अभी तो बहुत अच्छा रहा है रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ है जब ये किताब बाहर आई है और ग्लोबली रिलीज हुई है। US में पहले हुआ, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूं, लंदन में भी काफी प्रोग्राम होंगे इसके अराउंड। सो मेरा पूरा आइडिया था कि एक ग्लोबल किताब लिखूं, एन इकोनॉमिक ट्रेवलॉग जो इन सारे देशों के बारे में एक किताब में बताए, क्योंकि अभी तक काफी किताबें आई हैं, चाइना पे आई हैं, इंडिया पे आए हैं या US पर तो आते ही रहते हैं, बट द होल आइडिया हियर वाज कि पूरा इसको कि पूरा ट्रैवलॉग फॉर्म में रखें कि सारे नेशन में मैं ट्रैवल कर रहा हूं और उनसे क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव मिल रहा है मुझे ट्रैवल करते हुए। बिल्कुल, हम लोगों की जो पॉपुलर समझ है रुचिर अभी तक की इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो ये है कि अमेरिका को एक झटका लगा, वो समझ रहा है, यूरोप के देशों को प्रॉब्लम है, लेकिन ब्रिक नेशन जिनको हम बोलते रहे हैं अभी तक, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया, ये अब कमाल करेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन आपने इस पॉपुलर परसेप्शन को एक तरीके से उलट दिया है। आप कह रहे हैं कि ब्रिक देशों के साथ, इंडिया इंक्लूडेड, प्रॉब्लम है और कुछ दूसरे देश कमाल का काम कर रहे हैं जो ब्रेकआउट करेंगे, जो झुंड से निकल करके आपकी उम्मीदों से ज्यादा आगे बढ़ेंगे। पहले तो आप ये बताएं कि ब्रिक के लड़खड़ाने का कारण आप क्या देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप देखेंगे कि पिछले डेकेड सारे इमर्जिंग मार्केट्स ने अच्छा किया, एवरी सिंगल डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ रेट जो है बहुत हाई रहा, पर ब्रिक जो टर्म है वो इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये कैप्चर द टर्म ब्रिक कैप्चर्ड द 4 लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट्स, तो इसलिए मैक्सिमम जो स्पॉटलाइट है इन 4 इमर्जिंग मार्केट्स पर आए, पर सारे इमर्जिंग मार्केट्स ब्रांडिंग अच्छी हो गई। एग्जैक्टली, ब्रांडिंग अच्छी हुई तो मार्केटिंग टर्म बहुत अच्छा रहा, पर अगर आप हिस्ट्री देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो आप उसमें ये देखेंगे कि बहुत कम नेशन सस्टेन्ड इकोनॉमिक सक्सेस कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर एक डेकेड अच्छा किया तो दूसरे डेकेड अच्छा करेंगे, बहुत कम नेशन जो है वो ऐसे लगातार अच्छी तरह करते रहते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि मैं जब ब्राजील, रशिया जैसे कंट्रीज जाता हूं, वहां देखता हूं कि वो कमोडिटी डिमांड पे बहुत डिपेंडेंट है और चाइना की भी जो ग्रोथ रेट है वो दैट्स बिगिन टू स्लो डाउन नाउ, एंड एज दोज ग्रोथ रेट्स बिगिन टू स्लो डाउन इन प्लेसेस सच एज चाइना विच इज द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ कमोडिटीज, वो नेगेटिव इफेक्ट ब्राजील और रशिया पर भी आएगा। और अभी इवन दो कमोडिटी प्राइसेस काफी हाई हैं, अभी नेगेटिव इफेक्ट आना ऑलरेडी शुरू हो गया है,
जैसे ब्राजील का जो ग्रोथ रेट है पिछले साल वो सिर्फ 3% था, इनफैक्ट 2.7, तीन से भी नीचे. और रशिया का भी जो ग्रोथ रेट है पिछले डेकेड 7% होता था, वो भी नीचे आ रहा है 4% इस साल. और अगर कमोडिटी प्राइसेस नीचे गिरी जैसे मेरा प्रिडिक्शन है, तब और भी नीचे आ सकता है ब्राजील और रशिया के ग्रोथ रेट. और चाइना की जो इकोनॉमी है दैट्स बिकमिंग मिडिल इनकम, उनका जो पर कैपिटा इनकम है दैट्स नाउ बिकम अबाउट $6,000. उस लेवल से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो साइज है वो काफी बड़ा हो गया है चाइना का, जिसकी उनकी भी ग्रोथ रेट्स नीचे आ रहे हैं. और भारत, अब भारत पर मेरा 50-50 है, क्योंकि जो सारे जो नेशन मैंने कवर करे हैं मेरे व्यूज काफी कैटेगोरिकल हैं. जैसे मैंने बोला है कि ब्राजील रशिया पर नेगेटिव व्यू है, चाइना पर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है, और इंडिया पर मेरा 50-50 है. पॉजिटिव व्यूज काफी कंट्रीज पर है, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ईस्टर्न यूरोप में, पर इंडिया पर मेरा व्यू 50-50 है, और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं अभी. पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहां बताना चाहूंगा कि एक फैक्टर लोग इनफ अटेंशन नहीं पे करते, वो है एक्सपेक्टेशंस पे. बिल्कुल, जैसे ब्रिक का प्रॉब्लम ये हो गया है क्योंकि हाइप इतना क्रिएट हो गया है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गए थे ब्रिक्स के. तो आप इंडिया केस देखिए कि मुझे लोग बोलते हैं कि अगर इंडिया का ग्रोथ रेट अगर 6% चला तो वो भी ठीक है, पर मेरा पॉइंट है कि अगर 6% चला सो दैट बी अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो इंडिया से हैं वो 2010 में 8-9% हो गए थे. तो जब इंडिया ने 2011 में 7% से थोड़ा नीचे ग्रोथ रेट दिखाया, दैट लेड टू अ मेजर बेयर मार्केट इन स्टॉक्स. डॉलर टर्म्स में इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले साल 35% गिरा. हमारा फिस्कल सिचुएशन भी काफी खराब हुआ उसके कारण, ग्रोथ स्लोडाउन की वजह से, और जो बिजनेस सेंटिमेंट है वो भी काफी खराब हुआ उसकी वजह से. तो एक्सपेक्टेशन बहुत की होते हैं. बिल्कुल, आप चाइना का देखिए कि चाइना में अगर आप लोगों से पूछें कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है ग्रोथ का, तो सब बोलते हैं 8% आएगा अगले 5 साल तक. IMF ये बोल रहा है अगर चाइना का ग्रोथ रेट 6% आ गया तो लोगों को बहुत झटका पहुंचेगा. सो आई थिंक एक्सपेक्टेशन बहुत की होते हैं इधर, स्पेशली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में, कि कौन अच्छा करेगा कि कौन अच्छा नहीं करेगा. लेकिन रुचिर, जो लोग कहेंगे कि 6% भी ठीक ठाक है जो दुनिया की हालत है, अब 6% नया एक तरीके का हिंदू ग्रोथ रेट हो गया है जो हमको लोग कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो. तो आप जब कहते हैं एक्सपेक्टेशन, तो वो लोग कह सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि तो एब्स्ट्रैक्ट है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर लीजिए. पोटेंशियल के तौर पर मैं समझना चाहूं आपसे, हिंदुस्तान अपने पोटेंशियल पर प्ले करेगा क्या अगर 6-7 में रहेगा तो? नहीं, मेरे ख्याल से अगर 6-7 करेगा तो ठीक रहेगा, इसलिए मेरा इंडिया का जो ब्रेकआउट चांस है वो उन्हें 50-50 दिया है. बिल्कुल, पर इसमें टू प्रॉब्लम्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि लोगों का कंसेंसस क्या है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये सबका एक्सपेक्टेशन है. जैसे इंडिया का ग्रोथ रेट अगर इस साल भी 7% से नीचे रहा तो इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करेगा. बिल्कुल, इंडियन स्टॉक मार्केट और जो कंपनीज हैं इधर, सबका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया है अब कि अगर हम 7% से नीचे करें दैट बी अ मेजर डिसअपॉइंटमेंट. और ये मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, ये इकोनॉमिस्ट का एक्सपेक्टेशन है, पॉलिसी मेकर्स का एक्सपेक्टेशन है. हमारा ग्रोथ रेट अगर 6% रह गया इस साल तो हमारा फिस्कल सिचुएशन बहुत ही खराब रहेगा, और फिर 6% भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा. और तुम्हारी डाइटिंग, ये तो आपका प्यार है, दुनार रिश्तों की खुशबू.